जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन मेहता, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से बिहार का पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अभी अमित शाह गए थे और अमित शाह ने वहाँ पे बहुत बड़ा जो है गेम खेलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा गेम बीजेपी के द्वारा खेला जा सके और खेला जाना चाहिए भी था। और इसे अब अमित शाह जी भाषण दे रहे थे, और ये भाषण जब दे रहे थे जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्मोत्सव था और ये सारण जिले में था, तो वहाँ पे उन्होंने बीजेपी के पार्टी के तरफ से या फिर अमित शाह जी ने जेडीयू के लिए बहुत बड़ा ऑफर पेश किया है, और एक लॉलीपॉप की तरह ऑफर है, जिसको अगर जेडीयू वाले इस लॉलीपॉप को अगर खाते हैं बीजेपी में आके तो बहुत ही जेडीयू वालों को फायदा होगा। इसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ऑफर क्या है, ऑफर से कितना बेनिफिट होगा, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए, और इस तरह के पॉलिटिकल एनालिसिस से लेकर वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि जेडीयू का मेंबर के लिए या जेडीयू के जो सांसद हैं या विधायक हैं उसके लिए बीजेपी के अमित शाह ने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है, और ये ऑफर एक लॉलीपॉप की तरह है। लॉलीपॉप इसलिए कह रहा हूँ कि ये आज जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना खाने के रूप में आदमी चिकन लॉलीपॉप मांगता है, या डिफरेंट डिफरेंट तरह से नॉन वेज लॉलीपॉप मांगता है, वेज लॉलीपॉप मांगता है, लेकिन ज़्यादातर डिमांड जो है ना चिकन लॉलीपॉप का होता है। वही चिकन लॉलीपॉप के तरह जो है बीजेपी ने जेडीयू वाले के पास फेंका है और उनको दिया है ऑफर कि दिवाली के तक में अगर कोई भी जेडीयू के व्यक्ति आना चाहते हैं तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, और ऑफर का लाभ उठाएंगे तो फ्यूचर में आपको फायदा होगा। अब ये ऐसा जो कहा गया है, ऐसा क्यों कहा गया है, और अमित शाह जी ने ऐसा ऑफर क्यों दिया है, एक तो जेडीयू को कमज़ोर करने के लिए दिया है, और दूसरा जो दिया है जेडीयू से आके जो ऑफर का फायदा उठाएंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा कि अब समझ लीजिए कि 2024 का इलेक्शन था, और ये जो लोकसभा का इलेक्शन है इसमें लोकसभा के इलेक्शन में अब जेडीयू है या आरजेडी है, जीतन मांझी का पार्टी है और कांग्रेस है, अलग अलग पार्टी हैं, और जब इलेक्शन होगा लोकसभा का तो सारे पार्टी अपना डिमांड करेंगे अपने बेसिस पर लोकसभा सीट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि जेडीयू और बीजेपी पिछले ईयर लोकसभा का चुनाव में साथ आए थे और उन्होंने जो है ना 16-19 के आसपास में दोनों ने जीता था। अभी जो है 19 जो है लोकसभा सीट पर जेडीयू है। अब क्या ये तो सीट शेयरिंग जो पिछले ईयर हुआ था 2019 में, वो शेयरिंग जेडीयू के लिए अब नहीं हो पाएगा जो बीजेपी के साथ हुआ, क्योंकि बीजेपी जो है बिहार में नीतीश कुमार को चलने की क्रम में जो है बीजेपी वहां पे जो है समझौता कर लेते थे और जेडीयू को अपने हिसाब से जेडीयू जो मांगती थी वो देते थे, लेकिन अब सरकमस्टांसेस सारा चेंज हो गया है। अब जो है आरजेडी बड़ी पार्टी होगी और आरजेडी जो है अपने हिसाब से चलाएंगे, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार को आरजेडी अपने हिसाब से चला रही। नीतीश कुमार जो है अभी देखेंगे दो उपचुनाव जो हो रहा है गोपालगंज में और जो है ना बाढ़ में, वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे जेडीयू को पीछे हटना पड़ा और आरजेडी अपने विधायक होता। सेम कंडीशन होगा लोकसभा जब चुनाव होगा तो आरजेडी का कोई भी विधायक कोई भी सांसद नहीं जीता है, और जेडीयू
उस समय जो है जब 2024 में होगी तो आरजेडी के समक्ष या सामने बहुत कमजोर साबित होगी, और जो है आरजेडी जो है उसको कमजोर साबित करने की कोशिश करेगी, और आरजेडी अपने हिसाब से और लालू जी जो है अपने हिसाब से नीतीश कुमार को घुमा के और जो है कमजोर कर देंगे, और फिर वहां पे सीट शेयरिंग में आरजेडी ज्यादा मांगेगी। तो फिर जो है यहाँ तो आरजेडी और नीतीश की बात होगी, फिर कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ भी नीतीश कुमार को समझौता करना पड़ेगा, फिर जीतन राम मांझी जी हैं उनको भी नीतीश कुमार को उनके साथ भी समझौता करना पड़ेगा कि वो लोग भी अपने अपने विधायक सांसद खड़ा करेंगे, वो जीते या नहीं जीते लेकिन सीट तो जरूर शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि नीतीश कुमार का पार्टी का जो अभी सांसद हैं उनको सीट टिकट कटने की चांसेस बढ़ जाएगी, और ये टिकट कटने की जो चांसेस बढ़ जाएगी वो टिकट कटने का चांसेस बढ़ने के कारण जो है जो भी सांसद खड़े हुए हैं या जीते हुए सांसद हैं और उनको टिकट नहीं मिलता है तो फिर उनको लॉस होगा, और अब बहुत ही टफ हो जाएगा टिकट लेना जेडीयू के तरफ से, क्योंकि उनके पास सीटें बहुत कम होगी। और सेम दूसरे तरफ अगर देखेंगे तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, बीजेपी हर जगह अच्छे तरह स्टेटस बना चुकी है, और साथ में बीजेपी के पास जो नरेंद्र मोदी नाम के बहुत बड़े जो है ना लीडर हैं जो अपने बल पे जो है लोकसभा चुनाव में जो है ना कहीं भी इलेक्शन को घुमा देते हैं और वोटर को वो अटैक कर लेते हैं, और वोटर को अटैक करने में जो है उनका जो है जो भी गवर्नमेंट के तरफ से प्लानिंग चलती है पुअर पीपल के लिए, महिलाएं के लिए जिसको घर दिया गया है, जिसको बिजली दिए गए हैं, गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जो है उसके आयुष्मान भारत के तरफ से जो है मेडिकल फैसिलिटी देखिए, ये सब जो दिए गए हैं ये सब के बेनिफिट के कारण जो है वहाँ पे मोदी जी अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेते हैं और पब्लिक जो है उनको वोटिंग करती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन सेम चेंज हो जाएगा कि नीतीश कुमार का फ्लॉप हो चुका है, जेडीयू फ्लॉप हो चुकी है, आरजेडी जो है उसको दबा जो देंगे, और फिर सीट शेयरिंग में बहुत लॉस होगा जेडीयू को। तो इसलिए जो है यहाँ पे समझने की चीज है कि अगर भी जो भी जेडीयू के विधायक या भी छोड़ते हैं या लोकसभा में जो लोकसभा सीट से जो एमपी जीते हुए हैं वो छोड़ के अगर बीजेपी में जाते हैं या कोई कॉमन कार्यकर्ता बीजेपी में जाता है तो उसके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि बीजेपी एक ब्रांडेड पार्टी हो गई है, नेशनल लेवल की पार्टी है और साथ में वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए ये लॉलीपॉप बीजेपी वाले जो दिए हैं अमित शाह ने वो एक फायदेमंद है जेडीयू के लिए, अगर जेडीयू उसको एक्सेप्ट करती है, जेडीयू के मेंबर जो एक्सेप्ट करके बीजेपी में शामिल होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू, भारत माता की जय।